प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एनेक्सी भवन के सभागार में सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बाढ़ से बचाव को लेकर जो कार्य चल रहा है वह समय से पूरा हो, जिसको देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा की गई है कि जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। इसके साथ बाढ़ को देखते हुए सभी कार्यों को 30 जून तक पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रयास है कि इस बार बाढ़ से किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, गोरखपुर की कनेक्टिविटी और बढ़िया होती है सर। 10 करोड़ से अधिक जो कार्य है सर, उसको भी हम ले रहे हैं। इसमें सर काफ़ी अच्छा हमारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सर। पेज नंबर 23 पे सर, अच्छा सर, सभी रोडों को बता दें। रोड का कम्प्लीट हो गया सर, अभी आ गया सर, जो हमारा बिल्डिंग्स का आ गया सर, 23 पेज पे सर, बिल्डिंग का आ गया सर, ये अभी PAC का बंद कर चुके हैं और दूसरी मंजिल पर काम चल रहा है। थोड़ा देखें तार का इशू था 11 KV का, वो हट चुका है अपने सर। गोरखनाथ मंदिर के सामने जन्मा में सर ये बन रहा है सर, माननीय मुख्यमंत्री जो है सर लास्ट टाइम इसको विजिट किया गया और ये सर अपने शेड्यूल से आगे अभी चल रहा है सर। और ये और सर आयुष जो हमारा सैनिक स्कूल है दोनों सर, दोनों एक ही एजेंसी बना ली सर, और अभी ये बनारस सैनिक भवन में बहुत इसमें सर कार्य चल रहा है सर। नेक्स्ट सर 26 पेज पर सर PAC महिला बटालियन सर, इसमें अभी लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, CR साहब बैठे हैं, महिला बटालियन आवासीय भवन बन रहे हैं PAC महिला बटालियन। ये सर अभी लैंड का इशू था, इसमें जो सीलिंग वगैरह निकाली गई थी तो उसमें ठंडी में ये सर सदर तहसील में है सर, अभी खोजी जा रही सर, अभी इसमें प्रयास करेंगे सर। इसमें नेक्स्ट सर हमारा जो गोरखपुर में नवीन सैनिक आयुष जो है अमिशेष राजन को इसका स्पेशल भी सर मतलब ये लोकनाथ खान की भवन का नाम से भवन बताइए इसमें कार्य करती है। और हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 महीना बीच है, तो डबल शिफ्ट में काम करना है उसको, तो उसके लिए तैयार है सर। और उम्मीद है कि सर हम लोग बरसात से पहले साफ निकल जाए, सिंधु नदी के साथ खा मिलाओ कोई बात अच्छा आप कौन देख रहा है मैडम, मैं क्या हूँ मैडम, कंप्लीट कर लूँगा और पैसा बहुत विपिन बाबू आज प्रगति जो काम चल रहा है समय से पूर्ण हो, आज अच्छा पुलिस प्रशासन का भी और विकास कार्य की जो समीक्षा हुई है अच्छा कार्य अधिकारी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं और गरीबों की जो भी योजना गांव गरीब किसान की है उनके तक जल्दी पहुंचे वह भी योजना लोग पूर्ण कर रहे हैं और समय से पूर्ण। बरसात का मौसम आ रहा है, बाढ़ हाँ, बाढ़ से संबंधित भी जितनी समस्या हैं जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं 15 जून तक 30 जून तक वह समय से सभी पूर्ण होंगे और सभी जो बांध हो जितने भी बन रहे हैं बाढ़ से संबंधित लगता है हमें समय से पूर्ण हो जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी का हानि ना हो इस बार बाढ़ में, किसी किसान का किसी का जमीन जायदाद हानि ना हो और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्वयं व आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित रहते हैं और ये समस्या का समाधान, और हमें लगता है कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पर 30-40 वो सभी योजनाएं समय से पूर्ण हो जाएंगी।